भेदभाव कहाँ होता है, ठीक है ना। हम खुद बेकरण छुपा के जाते हैं और वहां से पता करके आते हैं भेदभाव कहाँ नहीं है। हम तो भुगत रहे हैं इसलिए हमें पता है, ठीक है। जिनकी सहानुभूति है ना उनको पता नहीं है भेदभाव क्या है। हम तो अनुभूति लेके आते हैं हमेशा। राज्य के मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं, ऐसी घटनाएं रोज होती रहती है, अशोक गहलोत के उस समय के स्टेटमेंट थे, ठीक है ना। गांधीवादी का वो टोला पहनते हैं, उनके निर्णय भी बहुत सारे गांधीवादी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता के लिए उनकी कलम चलती है। लेकिन दलित जितना वोट कांग्रेस को देते हैं उसके प्रतिशत में अशोक जी गहलोत ने कुछ भी नहीं दिया। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, राज्य अनुसूचित जाति आयोग को हमारी 4 साल की लड़ाई के बावजूद उन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये हालात है राज्य की, ठीक है ना। जो हमें कहते हैं राहुल गांधी के साथ हम 2.5 घंटे बैठे, ठीक है ना, उन्होंने खूब कहा, ठीक है ना, कि आज मुझे ये सुनते हुए शर्म महसूस होती है कि ये हमें जितना वोट देते हैं उसका हम कांग्रेस उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ पर जो मंत्री जो यहाँ के आपके अभाव उपयोग निराकरण समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे निजी मित्र भी हैं, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ आके चाहे वो समाज के MLA थे चाहे विपक्ष के लीडर थे, उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, ठीक है ना। स्थायी नौकरी का छोड़िए, इंद्र कुमार के परिवार को संविदा पे नौकरी मिलने वाली थी उसकी भी आपने पूर्ति नहीं की, और आपने जो कोई मुआवजा दिया है ना, मुआवजा दिया तो आपने सरकारी फंड से नहीं दिया, और जहां कहीं पर भी धर्म के नाम पे कोई होती है तो मुख्यमंत्री भाग के चले जाते हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री ड्यूटी बनती थी कि वो यहाँ पे आए और इस परिवार के आंसू पोछे, लेकिन अशोक जी गहलोत ने ऐसा नहीं किया। ये हमारी उनके साथ शिकायत भी है, या इंडिविजुअल ग्रुप के बैठे होंगे, प्रशासन के बैठे होंगे, या आप हमारी बात पहुंचाए उन तक। दूसरी बात, बहुत सारा ये डायलॉग चलता है, मैं 5 दिन से यहाँ हूँ, खूब सारे साथियों से चर्चा हुई, शिक्षा से भेदभाव मिटता है, बड़ा एक अच्छा है, ठीक है, जिसको भी पूछो, शिक्षा से भेदभाव मिटता है। काहे का शिक्षा से भेदभाव मिटता है? भेदभाव मिटता है भेदभाव करने वाले की मानसिकता में बदलाव आने से। शिक्षा से भेदभाव मिटता है तो रोहित वेमल को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। शिक्षा से भेदभाव मिटता है तो हमारी छात्रवृत्तियां बंद नहीं होती। शिक्षा से भेदभाव मिटता है तो राज्य का मुख्यमंत्री 80 लाख का बैकलॉग राजस्थान के अंदर पड़ा है, पूरे भारत के अंदर क्या स्थिति होती वो खाली नहीं रहता। शिक्षा से भेदभाव मिटता तो मुख्यमंत्री से ज्यादा होशियार और पढ़ा लिखा कौन है? हमारे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री है वो, हमारे गांव के है वो। अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? शिक्षा से भेदभाव मिटता आपके लिए? हमारे जैसे क्षेत्र में मैं मेरे अनुभव के आधार पर यह कहता हूं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा जातिवादी और सामंतवाद गंदी जातीय भेदभाव का कोई गढ़ है वो जालौर जिला है, ठीक है ना। ये मैं मेरे अनुभव के साथ कह रहा हूं। शिक्षा से भेदभाव मिटता